हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे एंड आप सब पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स होंगी। आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर्स इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा एंड इसमें हम ये भी चेक करेंगे कि वो आपको क्यों प्यार करते हैं। दैट मीन्स आप में ऐसा क्या है जो उन्हें बहुत पसंद है। एंड डिवाइन गाइडेंस के लिए भी हम कुछ मैसेजेस चेक करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए और किस तरीके से आपके रिश्ते में आपको सब कुछ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो या फिर जो आप चाहते हो। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये जनरल है, सभी साइंस के लिए है। इसमें मैं साइन जोडियक साइंस स्पेशली रीड नहीं करूँगी बिकॉज सभी साइंस के लिए है। तो जितनी रेजोनेट करें उतनी रखें, ओपन माइंड के साथ इसे चेक करें, बची हुई को जाने दें। जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं कर रही, हो सकता है वो मैसेज, वो गाइडेंस किसी और के लिए हो। तो आपके पार्टनर्स इस टाइम क्या फील कर रहे हैं, इनर वॉइस का कार्ड है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। पहली चीज़ ये कि आपकी तरक्की, आपकी काबिलियत, आपकी खुदा के साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी, आपकी लुक, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट स्टेट, ये सब चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड लग रही हैं। आपकी नॉलेज से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, आपके विजडम से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं एंड सम टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी होते हैं कि यार ये बंदा या बंदी बिना बोले ही मन की बात कैसे जान जाते हैं। बॉटम में है ट्रैवलिंग, इनको आपसे मिलने की काफ़ी ज़्यादा इस टाइम क्रेविंग हो रही है। ये अंदर से आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपके पास ये सारी जर्नी कवर करके पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ये देखिए रास्ता कितना पथरीला है एंड सन कितना दूर है, मंजिल कितने दूर है। ऑब्स्टेकल्स तो डेफिनेटली यहाँ पर हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, परेशानियाँ हैं, मजबूरियाँ हैं, लेकिन स्टिल आपसे ज़्यादा अच्छा पर्सन इन्हें कोई और नहीं लगता। आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं एंड आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हैं। इन्हें लगता है कि ये कनेक्शन कुछ स्पेशल है, और कनेक्शंस जैसा नहीं है। अगर कभी उनके लाइफ में कुछ कोई और कनेक्शन रहा है तो ये कनेक्शन वैसा नहीं है, ये काफ़ी अलग है, काफ़ी स्पेशल है। आपसे उन्हें काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिलती है, आपसे उन्हें काफ़ी अच्छे सुझाव मिलते हैं। आपकी गाइडेंस और सुझाव या फिर आपसे काफ़ी कुछ सीखने के बाद ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है सक्सेस का। ये पर्सन ना, मैं 110% यहाँ पर श्योर हूँ कि जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, और ये पर्सन आपकी लुक से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप इन्हें बहुत सुंदर लगते हो, सेक्सी लगते हो, हॉट लगते हो। बॉटम में है गोइंग विद द फ्लो एंड जब ये पर्सन आपको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि सारे लिमिट्स क्रॉस कर देंगे एंड देन ये आपका सिमिलर वे में इतनी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं कि ये पैशन में आकर कुछ गलत करना नहीं चाहते। तो ये चाहते हैं कि गो विद द फ्लो चला जाए, सब्र रखा जाए, पेशेंस रखा जाए एंड जब राइट टाइम आए तो रिस्पेक्टेबल वे से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो ये पर्सन कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते और ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी पैशनेट हैं, सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं। आप इनको काफ़ी ज़्यादा डैशिंग पर्सनालिटी लगते हो। नेक्स्ट कार्ड है सिज़ोफेनिया। ये पर्सन जहाँ आपके बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, किसी और को आपसे बेटर नहीं पाते हैं, आप इनके लिए बेस्ट हो, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको लेकर इनके मन में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, पैशनेट, फिजिकल डिज़ायर्स भी हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, लव भी है, और एक अनकंडीशनल लव है, एक स्पिरिचुअल लेवल का लव है जहाँ इन्हें लगता है कि एक रिस्पेक्ट वाला दायरा रखना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड बताता है कि ये पर्सन कंफ्यूज है। अब जब आपके लिए इतने श्योर हैं, आपको इतना पसंद करते हैं, आपको इतना लाइक करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इतने ज़्यादा इनके मन में पैशनेट सेक्सुअल थॉट्स हैं, रोमांटिक थॉट्स हैं, तो ये क्यों कंफ्यूज हैं? तो आंसर है पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक चीज़ें जो अभी भी पेंडिंग हैं, कुछ कार्मिक रिश्ते जो अभी भी पेंडिंग हैं, जिन्होंने कन्फ्यूज़न क्रिएट की हुई है। कुछ ऐसा आप लोगों के रिश्ते में अलग सा है जिसको ये पर्सन अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे जान नहीं पा रहे। ये पर्सन अपनी इंट्यूशन का यूज़ करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन बहुत स्पेशल है, एंड देन ये भी समझ नहीं पाते समटाइम कि ऐसा क्यों हुआ। जो सवाल कभी आपको परेशान कर रहे थे या अभी आपको परेशान कर रहे हैं, उनमें से ही कई सवाल इस पर्सन को भी परेशान कर रहे हैं। अगेन गोइंग विद द फ्लो कार्ड, दो बार आया है ये। डेफिनेटली ये पर्सन ना आपको पूरी तरह से समझ कर, जान कर, महसूस कर कर, फील कर कर, आपके बारे में सारी जो गुत्थियाँ हैं वो सुलझा कर, या जो भी इनके मन में डाउट्स हैं उसको सॉल्व कर कर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। बॉटम में है, स्लोइंग डाउन। तब तक ये पर्सन स्लो डाउन चढ़ेंगे, कोई भी हफड़ा दफड़ी नहीं करेंगे, पेशेंस रखेंगे, सब्र रखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। इन पर्सन का आपको लेकर नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये मैंने शफल कर लिया ऑलरेडी, लेकिन नेक्स्ट मूव हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। पहले हम लव ओरेकल से चेक करते हैं कि और क्या आ रहा है आपके कनेक्शन के बारे में। आप लोगों में से कई लोगों का कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल है और इस कनेक्शन से जुड़ने के बाद ही आपकी ओवरऑल ग्रोथ हुई है, तो चेक करते हैं डिवाइन का क्या मैसेज है। क्रिएटिविटी, ये पर्सन आपके आपके साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ घर परिवार चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, खुद का घर चाहते हैं, खुद की प्रॉपर्टी चाहते हैं, एक रिस्पेक्टेबल वे से आगे बढ़ना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, अगर कुछ गलतियां इनसे हुई हैं तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर कुछ आपसे गलतियां हुई हैं तो ये आपको माफ़ करना चाहते हैं। कंपैटिबिलिटी, आप इनके साथ काफ़ी अच्छे कंपैटिबिलिटी रखते हो आप इनके साथ, और डेफिनेटली इन पर्सन को लगता है कि आपके साथ एक बेहतरीन जीवन गुजारा जा सकता है। द गार्डन, ये पर्सन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके साथ इस रिश्ते में अबंडेंस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते को फ्लोरिश करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। शिवेलरी, ये आपको लेकर एक्शन लेना चाहते हैं, एक सॉलिड एक्शन, नॉट लाइक इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, आज बात हुई कल नहीं हुई, कम बात हो रही है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, उन सारी चीज़ों से निकलकर, सारे कन्फ्यूज़न से निकलकर ये पर्सन इस रिश्ते में एक सॉलिड एक्शन लेना चाहते हैं, जो कि सबकी परमिशन से हो, सबके नज़रों में एक रिस्पेक्टेबल हो, एंड देन ये अपनी एक दुनिया बसाना चाहते हैं, अपना एक आशियाना चाहते हैं आपके साथ। अब मैं ये चेक करूँगी कि आप इन्हें क्यों पसंद हैं, देन हम चेक करेंगे इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो आप इन्हें क्यों पसंद है गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, बिकॉज उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी एनर्जीज बहुत अच्छे से कैच करने में एलिजिबल हो पाती हूँ। यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट, आपने ही तो इन्हें प्यार करना सिखाया है, तो आपको ये कैसे भूल जाए या फिर आपको ये कैसे प्यार ना करें, ठीक है। जिसने प्यार करना सिखाया है, प्यार का सही मतलब सिखाया है, उसको ये पर्सन कैसे भूल सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे उसके बारे में सोचना बंद कर सकते हैं और कैसे उससे प्यार करना छोड़ सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत प्यार करते हैं आपको। यू ऑलवेज गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन, आपने हमेशा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन इन्हें दिया है, बिना ये सोचे कि इन्हें बुरा लगेगा या नहीं, या फिर जो भी है, आपने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है इनको, अपना अच्छा पार्टनर समझ के, इन पे बिलीव रख के, इन पे ट्रस्ट रख के। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वे, आपने इनको बहुत सारे सरप्राइजेस दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं, इसकी वजह से ये आपको बहुत पसंद करते हैं। आपने इन्हें प्यार करना सिखाया है, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है हमेशा इन्हें, इसलिए ये आपको बहुत पसंद करते हैं। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ऑल टुगेदर, ये आपको कहना चाहते हैं कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है, आप दोनों का रिश्ता अच्छा है, आप दोनों में बनती अच्छी है, तो बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप दोनों दूसरे के साथ बूढ़े हो, पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ स्पेंड कर दो। दैट मीन्स आप इनकी लाइफ में सेकेंड या थर्ड हो सकते हो,
रोमांटिक पर्सन के रूप में, लेकिन लास्ट हो, अब आपके बाद इनके लाइफ में कोई और नहीं आएगा। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। तो आपको जो है ये बहुत गुड लुकिंग लगते हैं, तो इन जब भी आप इनकी तारीफ करते हो तो इन्हें आप बहुत अच्छे लगते हो। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। अगर जब भी ये आपको टच करते हैं, ड्रीम्स में करते हैं या रियलिटी में करते हैं या कभी किया है, तो वो फीलिंग्स इनको बहुत पसंद है। आई लव द वे यू लव मी। जिस तरह से आप इन्हें लव करते हैं, इन्हें वो तरीका बहुत पसंद है, बिकॉज ये कनेक्शन ही बहुत स्पेशल है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, काफ़ी कुछ इसमें नया है, सरप्राइजिंग है। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। आप इनको हंसाने के लिए सिली थिंग्स करते हो, क्यूट थिंग्स करते हो, जिसकी वजह से ये काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं और इनको आपका वो तरीका बहुत पसंद है। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। ये डेली आपसे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। वाओ, आप तो बहुत अच्छे टीचर हो। यू कॉम्प्लीमेंट्स मी। आप इनको कॉम्प्लीमेंट देते हो, आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हो। आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट। ठीक है, ये अपने दिल से और अपनी पूरी लाइफ में आपको ट्रस्ट करते रहेंगे और ट्रस्ट करते हैं। आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। आप इनके बालों में अपने हाथों को फिराते हो, जो कि इन्हें बहुत पसंद है। ये मैसेजेस कुछ इससे प्रीवियस रीडिंग में भी आए थे, अगर आप चाहें तो इससे प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हैं। यू कम्प्लीट मी। आप इन्हें कम्प्लीट करते हो, आपके बिना ये इनकम्प्लीट है। अब हम चेक करते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, जो कि ऑलरेडी शफल करके रखा है मैंने। द मास्टर, अमेजिंग। द मास्टर मुझे ये बताता है कि ये पर्सन भी अवेयर हो जाएंगे इस कनेक्शन में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, मैच्योर हो जाएंगे। एंड मैच्योरली जब ये एक्शन लेंगे तब कोई रुकावट नहीं आएगी, सारे बैरियर दूर हो जाएंगे, सारी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगी, जो भी बड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम हो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। और डेफिनेटली ये पर्सन कुछ सॉलिड देने वाले हैं, कंट्रोल। जो भी चीज़ें अभी आउट ऑफ कंट्रोल है, ये पर्सन बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। एक्सपीरियंसिंग। नेक्स्ट एक्शन में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशंस हैं उनको कंट्रोल करने वाले हैं, अपनी मैच्योर बिहेवियर से सब कुछ सेट करने वाले हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं, दूर से देखने वाले हैं, आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस करने वाले हैं और ज़्यादा नोटिस करने वाले हैं। बिकॉज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये पर्सन एकदम से कोई फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुँचना चाहते, ये गो विद द फ्लो एंड स्लो डाउन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिकॉज इनके मन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, जो कि ये विद टाइम सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट एक्शन की बात की जाए तो जो थिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल है उसको कंट्रोल करेंगे, आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, आपके बारे में और ज़्यादा जानेंगे, आपको और ज़्यादा समझेंगे। एंड माइंड का कार्ड ऐसा आया है आपके बारे में, हो सकता है नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचें, हो सकता है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचें एंड देन इनको स्ट्रेस हो। और इनको स्ट्रेस क्यों हो रहा है? चेंज, क्योंकि इनको आपके और इनकी लाइफ में एक चेंज चाहिए, एक ब्यूटीफुल सा चेंज चाहिए, एक न्यू रोमांटिक साइकिल चाहिए, एक न्यू रोमांटिक जर्नी चाहिए। डिसाइड तो इन्होंने ही किया है कि गो विद द फ्लो चलना है, आराम आराम से चलना है, एक दूसरे को जानना है, समझना है, और टाइम देना है ईच एंड एवरीथिंग, या फिर जो भी है आप दोनों की लाइफ में ब्लॉकेजेस उनको सॉर्ट आउट करने के बाद आगे बढ़ना है। डिसीजन भी इनका है एंड ये पर्सन उसको फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर इनको स्ट्रेस भी हो रहा है। और वो स्ट्रेस क्यों हो रहा है? बिकॉज उस डिले और पोस्टपोनमेंट को ये भी झेल नहीं पा रहे हैं, ये भी अंदर से टूट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हार्ट ब्रोकन हो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, एंशियस हो रहे हैं कि ऐसा ना हो कि धीरे धीरे करते बहुत ज़्यादा धीरे हो जाए, बहुत ज़्यादा डिले हो जाए। तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर तक अभी तक इन पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा था, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है ये पर्सन कन्फेस करें, आपको वेडिंग का प्रपोजल सेंड करें, ठीक है, आपके साथ कोई स्पिरिचुअल सेरेमनी करें, ठीक है, आपको अपने घर बुलाएं, आपके घर जाएं, या फिर किसी टेम्पल में आपके साथ मिलें, या फिर रिंग सेरेमनी आप लोगों की हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर हैं। और जो भी मुझे लग रहा है कि अब आपके आपको लेकर ये जो दूरियां हैं इनके मन में, ये इनको डे बाय डे स्पॉइल करने लगेंगी। नेक्स्ट इनके लाइफ में ये होगा एंड देन जो भी इन्होंने हार्ड एंड टफ रूल बनाए हैं, पेशेंस रखने के, सब्र रखने के, स्लो डाउन चलने के, ठीक है, डेफिनेटली ये उन सबको तोड़ेंगे।
और मेच्योरली सारी चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपके किंग और क्वीन बनेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपके रिश्ते में होने वाला है बहुत जल्दी। और अगर ये टाइम फ्रेम मैं बोलूँ तो नेक्स्ट 3 to 4 months में आप लोगों के रिश्ते में सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर पसंद आई है प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।